शेख दीन का इल्म सीखने के लिए शौहर की इजाजत लेना पड़ता है क्या? अगर वो इनकार कर दे ना ना भेजे तो क्या करें? देखिए, दीन का इल्म सीखने के लिए शौहर की इजाजत नहीं है, बल्कि घर से बाहर निकलने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई औरत घर में बैठे बैठे दीन का इल्म सीख सकती हो, खास तौर से इस जमाने में। वो किताबें पढ़ सकती हो, इंटरनेट देख सकती हो, इस तरह के लेक्चर और मुहावरे सुन सकती हो, जिसमें कि उसको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, तो वो सीख सकती है, उसमें इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर उसे घर से बाहर निकलने की जरूरत है तो इसमें इजाजत की जरूरत है, इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक अहम नुक्ता यह है कि हर मुसलमान के ऊपर दीन का बुनियादी इल्म सीखना ये वाजिब है। अगर बीवी के पास दीन का बुनियादी इल्म नहीं है, जिसको कि वाजिब ऐनी कहा जाता है, जो कि उसके ऊपर जरूरी है जिसका सीखना, तो ऐसी सूरत में शौहर के ऊपर वाजिब है, जरूरी है कि अपनी बीवी को इजाजत दे, क्योंकि मा ला यतिमुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब, ये कायदा है। तो चूंकि बीवी के ऊपर दीन का बुनियादी इल्म सीखना जरूरी है, इसलिए शौहर को चाहिए कि वो इंतजाम करे या इजाजत दे। लेकिन जाहिर है वो बीवी ऐसी जगह पर जाए जहां पर शरीयत के अहकाम की पाबंदी करते हुए वो दीन का इल्म हासिल कर सकती हो। बाकी जी जो सर, इल्म का वो हिस्सा जो वाजिब नहीं है, जो ततव्वो है, नफिल है, मुस्तहब है, उस हिस्से में शौहर के ऊपर इजाजत देना ये वाजिब नहीं है। जी शक्ल, मैंने पूछा था आपसे कि ऑनलाइन आलिम कोर्स शुरू हो रहा है, तो मैंने इजाजत ली कि मैं आलिम कोर्स करना चाहती हूँ ऑनलाइन, तो शौहर ने इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसलिए पूछी। घर में बैठ के आप सीख सकती हैं उसको, जी, घर में बैठ के से शेख? नहीं बाहर जाना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं, नहीं घर में नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन है सर, घर ही में बैठ ऑनलाइन। हाँ, घर में बैठ के आप सीख के। सकती हैं। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके शौहर जो है कारोबार करते हैं या कहीं मुलाजमत करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, अगर उनकी जो खिदमत है, उनका जो काम है, या घर की जो जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियां आप पूरी करती हैं, और घर में फिर उसके बाद फारिग औकात में आप बैठी हुई हैं, तो उसमें शौहर की इजाजत नहीं है कि मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। जहां वो काम जिसके करने से शौहर के हुकूक की अदायगी में जो काम रुकावट हो, वहां पर इजाजत की जरूरत है। तो अगर आपके ऑनलाइन पढ़ने से शौहर के किसी हक के रास्ते में ये तालीम रुकावट बन रही है, तो इजाजत लेना जरूरी है, वरना जरूरी नहीं है। और शौहर को भी चाहिए कि अगर उसकी बीवी घर में बैठ करके दीन का इल्म सीख ले जा रही है, जो कि कई दफा वाजिबे आईनी होता है, तो शौहर को इजाजत देनी चाहिए।